हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? मैं पवन राव, डायरेक्टर मदर्स एजुकेशन हब। इस यूट्यूब चैनल मैथ्स विद पवन राव में आज आपको कुछ भी नहीं पढ़ाने वाला हूँ, है ना। आज संडे है, हमारी क्लास आज के दिन होती है नहीं, फिर भी कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे कमेंट किया कि सर आपकी आदत सी हो गई है और संडे को ऐसे थोड़ा सा सही नहीं लगता, आपका वीडियो नहीं आता तो आप लोग दो मिनट के लिए वैसे आ जाया करो। तो वैसे ऑफ रहता है, आज मैं नहीं आया था अपने स्टूडियो में, लेकिन फिर भी मैं आ गया 10-15 मिनट के लिए आप लोगों के लिए कि कुछ मतलब कुछ बातें की जाएँ, पढ़ाई से रिलेटेड नहीं, कुछ बातें की जाएँ और आप लोग इसको लास्ट तक सुनना, कुछ ना कुछ आपको पॉजिटिव मिलेगा इस वीडियो को। वैसे पढ़ाई से रिलेटेड नहीं है, मुझे पता है पढ़ाई तो आप लोग एक बार जैसे ही शुरुआत कर देते हो फिर उस वीडियो को कंप्लीट देखते हो, क्योंकि बहुत सारी आपको नई चीज़ें भी देखने को मिलती हैं और अगर चीज़ें आती हैं तो रिवीजन भी हो जाता है कि एक साथ उसमें क्या क्या चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। लेकिन आज मैं पढ़ाई नहीं करवा रहा हूँ आपको नॉर्मल, क्योंकि आज संडे है, नॉर्मल छोटी छोटी बातें हम लोग करेंगे। और हम लोग शुरुआत करते हैं एक कहानी से, छोटी से। मैथ्स का टीचर हूँ यह आपको पता होगा, पिछले वीडियोस में देख लिया होगा कि मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ, है ना। तो एक छोटी सी कहानी मैं आप लोगों को सुनाता हूँ, मैथ्स का टीचर हूँ तो मैथ्स से रिलेटेड ही कहानी आप लोगों को सुनाऊँगा। राजस्थान से, जयपुर से हूँ, आप लोगों को ये पता होगा। और राजस्थान काफ़ी बड़ा स्टेट है इंडिया का, इसका एक डिस्ट्रिक्ट है जैसलमेर और कहानी भी जैसलमेर की है। अगर आप लोगों ने सुना होगा जैसलमेर के बारे में, पूरा रेगिस्तान है। आज से 100-150 साल पहले की कहानी है और एक व्यक्ति के पास 17 ऊँट थे किसी गांव में। ऊँट की कहानी है आज अपने पास, है ना। कहानी सुनाता हूँ छोटी सी, फिर आगे हम लोग चलते हैं। एक व्यक्ति के पास 17 ऊँट थे और उस टाइम 17 वहाँ फसल वसल तो ज़्यादा होती है नहीं, पशुधन ही ज़्यादा अच्छा माना जाता है। उस टाइम किसी व्यक्ति के पास 17 ऊँट होना बहुत बड़ी बात थी और वो उस गाँव का सबसे अमीर आदमी था। उसके 3 बेटे थे, सबसे बड़ा बेटा फर्स्ट मान लीजिए, दूसरे नंबर का बेटा और तीसरे नंबर का बेटा सबसे छोटा। सबसे बड़ा बेटा जो था वो पैसे वैसे भी कमाता था, फादर का अच्छा खासा ध्यान भी रखता था, फादर उनका बुजुर्ग था, बूढ़ा व्यक्ति था, उसका ध्यान भी रखता था। दूसरे नंबर का जो बेटा था वो थोड़ा सा कम पैसे कमाता था, थोड़ा कम ध्यान रखता था, पैसे कमाता था लेकिन घर का थोड़ा कम ध्यान रखता था। और सबसे छोटा बेटा तो आपको पता ही है घर पर सबसे ज़्यादा उत्पाती होता है, ये आप लोगों को पता होगा कि आपके भी घर पे जो सबसे छोटा बेटा है वो सबसे ज़्यादा थोड़ा सा बदमाश टाइप होता है, घर भर का ज़्यादा ध्यान नहीं रखता वो। अब जैसे ही ये व्यक्ति मरने लगा, ये बुजुर्ग व्यक्ति था, जैसे इसका अंतिम समय आया इसने तीनों बेटों को अपने पास बुलाया कि बेटे आप लोग 3 लोग हों, इसने मेरी सबसे ज़्यादा देखभाल की है तो मेरे पास जितने भी ऊँट है ना उसका 1/2 ऊँट इसको मिला दे दिया जाए। इसको टोटल ऊँट का, ध्यान रखना टोटल ऊँट का 1/3 इसको दिया जाए और टोटल ऊँट का 1/9 इसको दिया जाए। जितने भी टोटल ऊँट हैं उसका 1/3, 1/2 इसको मिले, 1/3 इसको मिले और 1/9 इसको मिले। और ऊँट कितने थे उनके पास? 17। सुनना काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आपकी सुनी हुई है तो भी सुनो, नहीं सुनी हुई है तो भी सुनो। देखो लड़ाई शुरू हो गई, सबसे छोटे बेटे ने कहा कि यार क्या मतलब, अपन तीनों ही बेटे हैं, एक काम करो आप लोग तीनों सबसे पहले 5-5 ऊँट बांट लेते हैं और आप बड़े हो एक एक और ले लेना, टोटल 17 ऊँट हो जाएंगे। लेकिन सबसे बड़े बेटे ने कहा नहीं, फादर की अंतिम इच्छा ये है कि मैं आधे ऊँट लूँ। तो उस छोटा बेटा बदमाश तो था ही, उसने कहा कि चल एक काम कर, तू तेरे आधे ऊँट ले और यहाँ से गायब हो जा। अब आप लोग मुझे ये बताइए 17 ऊँट जो हैं उनका आधा ऊँट ये कैसे लेकर जाएगा। केस शुरू हो गया, कोर्ट में चला गया और कोर्ट के बारे में तो आप एक बार जानते ही हो कि काफ़ी सारा पैसा खर्च हो जाता है अगर एक बार कोई भी केस कोर्ट में चला जाता है। तो उस गांव का जो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति था उसको पता लगा कि वो अच्छा घर है गांव का, उसके 3 बेटे हैं, तीनों ही ठीक ठाक हैं, लेकिन इस केस के चक्कर में तो इतना पैसा बर्बाद हो जाएगा, तो ऊँट भी बिक जाएंगे और इनके पास थोड़ी बहुत ज़मीन वगैरह है ये भी बिक जाएगी। वो उनके पास आया, उनकी बात ध्यान से सुनी और उनको कहा कि यार तुम्हारे 17 ऊँट हैं, ये केस वेस का चक्कर तो आप छोड़ो और मेरे पास एक ऊँट है, इतना अमीर आदमी नहीं हूँ मैं, मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक ऊँट है और आप फ्री में ले लो उसको। तीनों बेटे खुश, एक ऊँट फ्री में मिलना उस ज़माने में बहुत बड़ी बात थी। उसने कहा एक ऊँट फ्री में ले लो और जैसे ही एक ऊँट फ्री में दिया उसके ऊँट हो गए 18। सबसे बड़े बेटे को बुलाया, टोटल का 1/2 तू लेके जा, टोटल 18 था, टोटल का 1/2 करोगे तो बोलो कितने ऊँट हुए, बताओ तो कितने ऊँट हुए? 9। टोटल का 1/3 इसको दिया, 1/3 इसको दिया तो इसको कितने दे दिए? 6। और टोटल का 1/2 इसको दिया तो इसको दे दिए तो कितने हो गए? 2।
9, 6 और 2 टोटल ऊंट कितने हुए, ऐड करो मैथ्स के स्टूडेंट आप लोग, 17। 18 को बांटा 17, एक ऊंट अपना लिया और घर चला गया। मैं आपको समझाना ही चाह रहा हूँ, मैं आपको बताना ही चाह रहा हूँ कि इस धरती पर हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, एक अगर आप पॉजिटिव माइंड हो तो। कोई भी प्रॉब्लम हो अगर आप लोग पॉजिटिव तरीके से सोचते हो, जैसे ही मैं यूट्यूब पर आया था आप लोगों को पता होगा बहुत सारे कई कमेंट्स मेरे पास आए कि ये कौन यूट्यूब पर आ गया, हर कोई आ जाता है यूट्यूब पर, ऐसे काफ़ी सारे कमेंट्स शुरुआत में आते हैं। लेकिन उन चीज़ों से अगर आप लोग ऊपर उठकर सिर्फ आप जो करना चाहते हो उसी के बारे में अगर आप लोग सोचोगे तो हमेशा आगे बढ़ोगे। अगर आपको, मैंने शुरुआत की थी, कुछ लोगों को ये भी लगा कि पता नहीं कंप्लीट करवाएंगे नहीं करवाएंगे, आज काफ़ी सारा सिलेबस हमारा हो चुका है, क्वेश्चंस की शुरुआत भी मैं इसके बाद करूँगा, जैसे ही होगा अपनी थ्योरी होगी उसके बाद क्वेश्चंस की शुरुआत भी मैं करने वाला हूँ। तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि एक पॉजिटिव माइंड के लिए हर चीज़ का सॉल्यूशन है। अगर आप लोग नेगेटिव नहीं हो तो हर पॉइंट का सॉल्यूशन है, अगर आपके पास नहीं है तो मेरे पास हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, ये बात आप लोग ध्यान रखना। तो आप लोग, जैसे मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि आज से दो साल बाद, 3 साल बाद या 2.5 साल बाद आप लोग ये बताना चाहते हो कि मेरा मैथ्स वीक था या इंग्लिश वीक था या क्या वीक था, उसके कारण मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। आज के बाद बहाने बनाना चाहते हो, उस टाइम मैं बीमार हो गया था यार, मैंने तो इंग्लिश सीखी 6th क्लास में थी सबसे पहले, अरे यार मेरी तो इंग्लिश वीक थी, यार मेरा मैथ्स थोड़ा वीक था, ये बहाने बताना चाहते हो, या मेरा सिलेक्शन क्यों हुआ, कम से कम 100, 150, 500, 700 लोगों को ये बताना चाहते हो कि मेरा सिलेक्शन क्यों हुआ, मैंने उससे जो भी प्रॉब्लम थी उसको कैसे हैंडल किया और कैसे उससे पार पाई, ये सिर्फ और सिर्फ एक ही बंदे पर डिपेंड करता है और वो आप लोग खुद हो। इसलिए जो भी आपको नहीं आता उसको बार बार पढ़िए आप लोग। और इन्हीं चीज़ों के लिए मैं आपके लिए एक लाइव क्लास लेकर आ रहा हूँ 25 को, क्योंकि 25 को शाम को 6 बजे एक लाइव क्लास होगी, 25 तक हमारा लगभग कोर्स जो थ्योरी है वो कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस की शुरुआत करेंगे और पहले कंप्लीट ज्योमेट्री में पढ़ाऊंगा, और ज्योमेट्री के कम से कम मैंने साथ साथ थ्योरी के साथ साथ भी 50-55 क्वेश्चंस करवा दिए हैं, और लगभग मैं क्वेश्चंस 200 क्वेश्चंस आपको और करवाने वाला हूँ, मैं कंप्लीट पढ़ाने वाला हूँ, आप लोग घबराओ नहीं। कई स्टूडेंट की सर रेगुलर रहना रेगुलर, अरे भाई आप ड्रो नहीं, मैं रेगुलर ही रहूँगा, उस चीज़ की टेंशन छोड़ दिया करो आप लोग। और 25 तारीख को शाम को हम लोग लाइव आएंगे जिसमें कि हमें कैसे तैयारी करनी है, जो मैंने पढ़ाया है ज्योमेट्री आपको यूट्यूब पर उसको कैसे आप लोगों को पढ़ना है, और किस किस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चंस हम लोग कैसे पढ़ेंगे, वो सारी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ 25 तारीख को शाम को लाइव आकर। आप अपनी प्रॉब्लम जो थ्योरी में है वो भी आप लोग लाइव क्लास में पूछ सकते हैं। जितनी थ्योरी मैंने पढ़ाई है, 25 के बाद 2 या 3 लेसन बचेंगे, जो अपने पास 2 लेसन तो होंगे शायद सर्किल के, और 1 लेसन होगा अपने पास बड़ा लेसन जो होगा लगभग वो होगा पॉलीगन्स का, तो उन 3 के बारे में 3 लेसन तो बाद में आएंगे। इससे पहले जो अपने लेसन हो चुके हैं लगभग 28 या 29 लेसन, आप लोग इन पर जो भी क्वेश्चन आपको क्वेरी हो, कोई प्रॉब्लम हो, कोई डाउट हो, आप लोग वो मुझसे पूछ सकते हो। तो 25 तारीख को शाम को लाइव मैं आऊँगा, तब तक के लिए आप लोग ये जो वीडियो है इसको आप लोग शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग एक साथ आएँ और प्रॉब्लम्स का डिस्कशन करें। ओके, थैंक यू, आज संडे था, मैं आपके लिए आया, बाय बाय, टेक केयर, सी यू, कल शाम को इवनिंग में 6 बजे मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।